ये कहानी शुरू हुई थी एबनॉर्मल पैदा हुए रोहित से। समय के साथ वो तो बड़ा हुआ, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा ही रहा, और बच्चे जैसे ही रही उसकी बातें, आदतें और शरारतें। फिर रोहित की मासूमियत को सजाएं मिलने लगी। सर मेरा मजाक उड़ाते, अगर तुम मेरी मदद नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति, थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान, प्लीज भगवान थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान। और एक रात कसौली की जमीन पर एक स्पेसशिप उतरा। रोहित को जादू मिला, जिंदगी मुस्कुराने लगी। जादू से मिली शक्तियों ने रोहित को पूरी तरह बदल दिया। रोहित की शोहरत सरहदें पार करने लगी। और एक दिन एक खास मकसद से रोहित को सिंगापुर बुलाया महान साइंटिस्ट डॉक्टर सिद्धांत आर्या ने। मिस्टर रोहित मेहरा, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। फिर अचानक सोनिया मेहरा के हाथ से उनके बेटे रोहित और बहू निशा का हाथ छूट गया। उन्हें जीने की वजह मिली रोहित के बेटे कृष्णा में। मगर उसकी हैरान कर देने वाली शक्तियों ने सोनिया मेहरा को इतना डराया कि वो कृष्णा को लेकर एक अनजान जगह जाकर बस गई। लेकिन डेस्टिनी ने दिल का रास्ता चुना। कृष्णा प्रिया से मिलने सिंगापुर गया, जहां ये सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी कि उसके पिता रोहित मेहरा जिंदा है और कई सालों से डॉक्टर आर्या की कैद में है। फिर वक्त ने उस बेटे को नया इतिहास बनाते हुए देखा, जिसे एक सर्कस में लगी आग ने पहनाया था मास्क। और इस तरह हमें मिला एक नया रक्षक, एक नया दोस्त, एक सुपरहीरो क्रिश। अब मैं इस वायरस को दुनिया के हर कोने में फैलाकर शुरू करूंगा इंसानों का खात्मा। तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। सिर्फ 10 मिनट बाकी,
पापा आप इस वक्त सब ठीक तो है? और नहीं तो क्या, मैं भी ठीक हूँ और सब भी ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ और जब तुम लोगों पापा सॉरी मैंने उठा दिया, लेकिन सूरज उगने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है, इसे जल्दी लैब में चलो चलो चलो। हाँ पापा चलो, आज सब ठीक होना चाहिए। फॉर्मेशन में जो कमियाँ थी वो सब दूर कर दी, आज मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। वाह पापा, ये सब क्या है? मेरे सालों की मेहनत, एक कोशिश, क्योंकि धूप जिंदगी देती है, लाइट गिव्स लाइफ, और मुझे लगता है कि मैंने फाइनली आइनों के जरिए लाइट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके उसे मल्टीप्लाई करने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया। कुदरत में भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन मौजूद है, पर हम लोग उसे देख नहीं पाते, इसलिए मेरा ये खास पेन, जो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस पेन के आसपास कहीं भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन हो तो ये पेन एक्टिवेट हो जाएगा और बीप करने लगेगा, और फिर ये सारी किरणों को समेट के उन्हें मल्टीप्लाई करके एक सब्जेक्ट पर डालेगा, और फिर हम देख सकेंगे कि कैसे धूप जिंदगी देती। मतलब सूरज की किरणें इस मरे हुए प्लांट में जान डालेगी? ये कैसे हो सकता है पापा? और नहीं तो क्या, होएगा, बिल्कुल होएगा। फिंगर्स क्रॉस करो, करो क्रॉस करो। पापा सूरज, एक्टिवेट हो गया, मतलब सारे आने की प्लेसमेंट एकदम सही है, फॉर्मेशन एकदम राइट है। एनर्जी का पावर बहुत ज्यादा है, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक ऐसा फिल्टर बनाना पड़ेगा जो उतनी रोशनी पास होने दे जितनी जरूरी है, बाकी एनर्जी खुद अब्सॉर्ब कर ले। मतलब फिल्टर विद अ ब्रेन पापा? करेक्ट, दिमाग वाला फिल्टर बना लूंगा, फिर देखना मेरा एक्सपेरिमेंट सोलर एनर्जी की दशा एकदम बदल देगा। अब चलो ऑफिस भी तो जाना है, चलो चलो। दिमाग वाला कृष्णा, रेडी पापा? स्मार्ट लग रहे। थैंक यू। कल जो किसी ने पंचर किया था वो तो तुमने ठीक कर दिया? हाँ नहीं वो मैं ये प्रिया को क्या हो गया है? प्रिया अरे कमिंग,
चलिए पापा चलते हैं। पहले तुम रेडी तो हो जा। रेडी तो हूँ मैं। पक्का? सिर्फ टचअप कर रही थी, गाड़ी में कर लूंगी। पंचर देखो आया ना। अभी तुम एकदम परफेक्टली रेडी हो गई। आई एम ऑल्सो रेडी। चलो सिंस वी आर ऑल रेडी लेट्स गो पेंट द टाउन रेड। क्यों आज तुम्हें टीवी चैनल की ऑफिस नहीं जाना? जाना है ना पापा, लेकिन आज शायद पहले पार्लर जाना पड़ेगा। अरे कृष्णा ऑफिस आ गया। एक्चुअली मेरा नया ऑफिस आगे से राइट जाके फर्स्ट लेफ्ट के बाद राइट पर जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना वहाँ है। हाँ, एयर इंडिया का जॉब भी। अरे चलो चलो मैं लेट हो रहा हूँ, चलो चलो। तुम बात को पलटो मत, बताओ इस बार क्या हुआ? मुझे पता है क्या? क्या? जब क्लाइंट्स टिकट बुक करने आते होंगे तो ये हवा में होते, इसलिए एयरलाइन वालों ने इसकी परमानेंट लैंडिंग करा दी और कह दिया कि हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए। सही कहा पापा, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस 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 रुक जाओ, अब ये है मेरा नया ऑफिस। ऐसा है इसमें? ओ हस्बैंड, इधर आना। यस वाइफ। मैं स्टूडियो से 4:30 बजे निकलने वाली हूँ। तुम एग्जैक्टली 5 बजे मुझसे मिलोगे, याद है ना? या। अगर आज लेट हुए ना मिस्टर मेहरा, तो ये हस्बैंड वाला जॉब है ना, वो भी यू नो। आई नो। बाय बाय। ऑलराइट पापा, अब आपको कहाँ ड्रॉप करूँ? मतलब मेरी नौकरी तो सही सलामत, तुम तो मुझे लैब पर ही छोड़ो। हम होंगे काम, हम होंगे काम। कृष्णा, कृपाल, आप दोनों को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। यह है आपका टर्मिनेशन लेटर और यह आपका। क्या हुआ? अरे तुम्हारा फेस फुटबॉल से टेनिस बॉल क्यों बन गया? कल जब वो चोर ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने आए थे तो तुम तो भाग गए थे ना, तो नौकरी क्या रुकी रहेगी? पर तुम वैसे भागा, मैं भी था, लेकिन मैं भागा था भाग के आने के लिए। भाग के आने के लिए? हाँ हाँ, मेरा मतलब क्या क्या तुम लोगों के कान क्यों खड़े हैं? अरे हम लोग तो काम से गए, तुम लोग तो काम पे जाओ। जाओ, समझते नहीं हो यार? हाँ आप बताओ, कल जब मैं भागा था, नहीं मेरा मतलब गया, उसके बाद स्टोर में कौन आया था? कौन आया था? कौन आया था? क्रिश। करेक्ट। अब समझे सीक्रेट? मेरा पूरा नाम क्या है? कृपाल शर्मा। तो कृपाल ककरी क्री, शर्मा का श, श मिलके क्या हुआ? क्रिश। तुम धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो भीड़ जमा हो जाएगी, ऑटोग्राफ वगैरह देना पड़ेगा। तुम अभी भी मुझे रॉन्ग समझ रहे हो, राइट? हाइट, क्रिश की हाइट तो और तुम्हारी हाइट तो, अरे एडजस्ट करके ना भाई, है फाइट में टॉल और ड्यूटी पे स्मॉल। छोड़ो तुम नहीं समझोगे, ये हम सुपरमैन लोगों का स्टाइल है, और तुम एक कॉमन मैन हो, तुम एक काम करो, वो काम ढूंढो जो अच्छे से कर सकते हो, करेक्ट? इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान AKA 101 के आगे के पहिए जाम हो गए हैं, उन्हें खोलने की पायलट्स की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। अगर लैंडिंग गियर सही तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ तो विमान क्रैश लैंड हो सकता है, यानी विमान में मौजूद सभी यात्रियों और विमान कर्मियों की जान खतरे में है। हम इस पूरे मामले देखा, अब जाना पड़ेगा और समय समय पर हम आपको इसकी जानकारी दे। ये कहां गया? मुंबई कंट्रोल AK 101 वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। AKA 101
We have cleared runway 27 for emergency landing. You are clear to land. Best of luck. Sir, बिना सामने वाले पहियों के लैंड करना प्लेन स्किड भी कर सकता है, एक्सप्लोड भी हो सकता है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्यूल भी खत्म हो रहा है। We have to take this chance. Please keep your seatbelts fastened and take brace position for landing. Brace position? What's happening? Looks like something's really wrong. What's going on? Mama, have we got something? God, please help us. Disturbing images of the virus outbreak have just come in from the city of Gobabis.
Our correspondent is currently at the local office of the International Health Council, waiting for a statement from Dr. Varan Shetty, regional director of the WHO. On my return from Namibia this morning, I have immediately briefed senior members of the IHC about the current state of this outbreak. This virus needs to be contained as soon as possible. Otherwise, the consequences would be catastrophic. Infected samples of blood have been dispatched to distinguished scientists and doctors in all parts of the world. We need all the help possible in coming out with an antidote. It is now quite clear that the Namibia crisis is escalating. Our channel has set up a toll-free emergency helpline for any virus-related information. Hello? The number is Dr. Shetty. Dr. Mehra, Namibia mein khatarnak virus ne jo panic create kiya hua hai, uske baare mein tumne suna hi hoga. हाँ, हम सब वही देख रहे थे. डॉक्टर शेट्टी, इस वायरस का असर कितनी देर में दिखाई देने लगता है? इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या है? कॉन्टैक्ट में आते ही सिर्फ 5 सेकंड से 5 मिनट में इस वायरस का सिम्टम लोगों में दिखाई देने लगता है. ये वायरस हवा और पानी के जरिए तेजी से फैल रहा है. हमने इन्फेक्टेड ब्लड के सैंपल्स दुनिया में कई जगह भेजे हैं, तुम्हें भी मिल जाएगा. एंड आई एम रियली होपफुल कि तुम इस वायरस को क्रैक कर सकोगे. इसीलिए मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो डॉक्टर मेरा. Please do something. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर शेट्टी. I will try my best. Hello? Hello, Dr. Shetty? Yes, who's this? Hello, sir. मैं आलोक सेन बोल रहा हूँ. डॉक्टर आलोक सेन. सर, मुझे अभी आपसे मिलना है. It's very urgent, sir. Please, sir. किस सिलसिले में? सर, मेरे पास नामीबिया के वायरस और उसके एंटीडोट के बारे में शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है. What? मैं आपको मिलकर सब कुछ बताऊंगा सर. सर, मेरी लाइफ खतरे में, इसलिए मैं पेफोन से फोन कर रहा हूं. सर, प्लीज सर. ओके, काम डाउन डॉक्टर सेन. देखिए, मैं ऑफिस ही जा रहा हूं. आप मेरे ऑफिस आ जाइए. मेरे ऑफिस का एड्रेस है. हाँ सर, मैं जानता हूं ऑफिस. मैं अभी आता हूं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग समवन. ओके सर, थैंक्स. कौन है आप? अलग, अनोखी, अद्भुत, क्योंकि मेरा कोई अतीत नहीं है. नो पास्ट, सिर्फ आज है. सरप्राइज्ड? आप जो भी हैं, आप गलत जगह आ गई हैं. जगह भी सही है और वक्त भी. इरादा शायद गलत है. व्हाट नॉनसेंस, प्लीज लीव. पहले मुझे जान तो लीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब भी हूं. देखिए आप मेरी आंखों में खुद को. What the hell do you think you're doing? Send him in. Right, sir. Dr. Shetty, Dr. Sen, thank you. आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए. आप उस वायरस के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते थे? हाँ सर, ये लीजिए. इसमें वायरस का सैंपल है और उसका एंटीडोट भी. मैं काल फार्मास्यूटिकल्स में काम करता हूँ. ये कंपनी अलग अलग डीएनए का फ्यूजन और एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट वायरस के लिए एंटीडोट बनाती. पर सर, मुझे रिसेंटली पता चला है कि ये एंटीडोट तो बाद में बनाती, पहले वायरस बना लेती. दुनिया में कई जगह उनकी लेबोरेटरीज है सर, इसलिए मैंने इस पेन ड्राइव में सारे सबूत ले लिए उनके खिलाफ. आपको लेबोरेटरी नंबर 3 का इंचार्ज बनाया गया था, जहां आपको अलग अलग डीएनए का फ्यूजन बनाना था.
लेकिन आपने तो ये फाइल्स बना दी। आपको कैसे पता? मैं सही कह रही हूँ। तुमने उसे चीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। He can't stand traitors. ये काया है, साइंस का करिश्मा, और इसे बनाया है उसने जो बना रहा है इस दुनिया में अपनी एक नई अजीबोगरीब दुनिया। ये है काल, वक्त और जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य, विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन इसने अपने हर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी खुद को बदलने के इरादे से। इसे अजीब इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जिसके दिमाग में इतनी शक्ति है उसके गले के नीचे का पूरा शरीर बेजान है, सिर्फ हाथ की दो उंगलियों को छोड़कर। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि काल टेलीकिनेसिस से, यानी अपने दिमाग की सारी ताकत को इन्हीं दो उंगलियों में लाकर चीजों को उठा सकता है, उड़ा सकता है, तोड़ सकता है। फिर भी काल लगातार खोज कर रहा है ताकि वो उस बोन मैरो को पा सके जो उसके जिस्म में जान डाल सके। लेकिन जब एकदम अलग डीएनए वाला काल इंसानों में अपना इलाज नहीं पा सका, तब उसने जानवरों को चुना अपने प्रयोग के लिए, और अपने और जानवरों के डीएनए और खून को मिलाकर टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरह काल ने ऐसे कमाल के जीव बना लिए हैं जिनकी आत्मा काल की है, सूरत मानव की, लेकिन फितरत और ताकत जानवर की। इन्हें काल ने नाम दिया है मानवर। लेकिन काल को इन मानवरों से भी वो बोन मैरो अभी तक नहीं मिल पाया है जिसकी उसे तलाश है। उसकी कोशिश अब भी जारी है। इनिशिएट। Liquidation. Is the future. Final test शुरू कीजिए।
इसे यहां रहना और जीना सिखाइए और कोशिश और तलाश जारी रखिए। तुम्हें वो बोन मैरो जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें कामयाबी मिलेगी। काल काल तो आज भी कामयाब है काया, तुमने मेरे नए मानवर स्ट्राइकर की जुबां की स्ट्राइक तो देख ही ली, और काल कल भी कामयाब था जब उसने तुम्हें बनाया अपने और गिरगिट के खून से। तभी तो तुम रूप और शरीर बदल सकती हो, कहीं भी कभी भी। देखते हैं नमीबिया में कितनी सांसें रुकी हैं अब तक। ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। दुनिया के कई जीनियस साइंटिस्ट के चेहरों का रंग उड़ चुका है। हमारे साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि वहां अपना एंटीडोट कब भेजना है। लोगों को थोड़ा मरने दो और ज्यादा डरने दो। इट्स सिंपल साइंस काया। लोगों की हिम्मत जितनी नीचे जाएगी हमारा प्रॉफिट उतना ऊपर जाएगा। ये वायरस पैदा ही नहीं हुआ, इसे बनाया गया। लेकिन सर ऐसा कौन करेगा? एक बहुत ही बीमार इंसान। डॉक्टर मेरा, नमीबिया में जो वायरस फैला था उसका एंटीडोट बनाने में कामयाबी मिल चुकी है। ये ब्रेक थ्रू हासिल किया एक कंपनी कार्ल फार्मास्यूटिकल्स ने। एंटीडोट नमीबिया पहुंच चुका है और सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। थैंक गॉड, इस एंटीडोट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग। डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम सेफ हो। ओके, अब हम दोनों सेफ हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम वहां इतनी ऊपर कर क्या रहे थे? मैं अपना होमवर्क कर रहा था, फिर मैंने देखा एक कबूतर तारों में फंसा हुआ है, तड़प रहा था, इसलिए मैं उसकी मदद करने छत पर गया। लेकिन मेरे हाथ तो छोटे हैं, पर मैंने कैसे भी करके उस कबूतर को फ्री किया, बट मैं ही गिर गया। मम्मा बचाओ मुझे, मम्मा! पर तुमने मुझे बचा लिया क्रिश, थैंक यू क्रिश। थैंक यू क्रिश। मैं? तुमने उस कबूतर की जान बचाई। तो जो किसी की आंसू की जगह मुस्कुराहट लाता है वही तो है क्रिश। वाओ, मैं भी क्रिश हूँ। पर क्रिश, तुम्हारे पास तो मास्क है, सूट है और इतनी सारी पावर्स है, मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास वो सच्चाई है जिसने मुझे आज सिखाया है कि हाथ छोटे हो तो क्या हो, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। क्रिश की तरफ से छोटे से क्रिश को एक छोटा सा गिफ्ट, हाथ लाओ। अब तुम्हारे अच्छाई और सच्चाई का ये एक सिंबल है। वेलकम टू द टीम। टीम? मैं तुम्हारे टीम में हूँ क्रिश। लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी मेरी तरह इमारतों पर चढ़ने, भागने और दौड़ने की कोशिश नहीं करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस क्रिश। आइए, वेलकम। बड़ी जल्दी आ गए आप, रेस्टोरेंट बंद होने के बाद ही आते। वैसे मैं जान सकता हूँ कि अब तक कहाँ गायब थे आप?
जाना जरूरी था सर। जरूरी था? जी सर। अपने जॉब से भी ज्यादा जरूरी? नहीं, ये मेहमान चाइनीज खाने के लिए आए थे और इंडियन सुना के चले गए, मालूम है आपको? अभी खबर मिली है कि कृष्ण ने आज फिर एक बच्चे को बचाया और उसे सुरक्षित अपने माँ बाप तक पहुँचाया, यही साबित करते हुए कि जहाँ क्राइसिस है वहाँ कृष्ण है। देखो, एक ये है कृष्ण, जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ भी हवा की तरह पहुँच जाता है, और एक तुम हो जहाँ होना होता है वहाँ से हवा हो जाती है। अरे कुछ सीखो इससे, कृष्ण की एक भी खूबी तुम्हारे अंदर होती तो तुम्हें नौकरी से निकालना नहीं पड़ता। यू आर फायर्ड। सर प्लीज। लेकिन ये रिपोर्ट खत्म करने से पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी अभी हमारे खास सूत्रों से खबर मिली है कि कृष्ण आज रात 11:30 बजे से ऑफ ड्यूटी होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं प्रिया मेहरा आज तक। इससे अच्छा सरप्राइज तो मुझे आज तक नहीं मिला। इससे अच्छा गिफ्ट भी तुम्हें आज तक नहीं मिला होगा। क्या? We're going to have a baby. You. Shh. आज की मॉर्निंग हम सबके लिए बहुत खुशी की। बच्चे बड़े हो जाते तो बड़ों को बच्चा समझते। मुझे यार आज कृष्णा का जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें गिफ्ट भी लेकर आया। आज की खुशी की वजह कोई और खुशी है, और ये खुशखबरी आपको मिस्टर बालगोपाल खुद बताएंगे। कोई और खुशी? ये कौन? इस नाम का तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं। एक्चुअली हो भी सकता, सारे दोस्तों के नाम कहाँ याद रहते। ये तो आपका भी एक नाम है। आप दादा बनने वाले? दादा? इस सच? जी पापा। हर बाप चाहता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखे, उसके साथ खेले, उठे, गिरे, पर मैं उस सुख से दूर कर दे गया था। नहीं देख पाया कि कृष्णा अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले कितनी बार गिरा, कितनी बार संभला, कीचड़ में लिपटा, कितनी बार घर आया।
और इस बात का अब तक अफसोस था मुझे, पर अब कोई अफसोस नहीं, कोई शिकायत नहीं। बाप बनकर तुम्हारे बचपन नहीं देख सका तो क्या हुआ, दादा बनकर देखूंगा, खुल के जीऊंगा तुम्हारा बचपन तुम्हारे बच्चे के साथ। थैंक यू प्रिया बेटी, हमारे इस छोटे से परिवार को पूरा करने के लिए। और हाँ, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, ये मेरी तरफ से छोटा सा तुम दोनों के लिए। ओके पापा। और ये मिठाई मैं ऑफिस में जाके सबको खिलाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे, बहुत मजा आएगा। शरीर ठीक होता तो मैं, तुम सोच भी नहीं सकती काया मैं क्या कर सकता। मैं तो अब भी नहीं सोच पाती कैसे कर पाते हो तुम ये सब, कहां से आई हैं ये पावर्स तुम में, क्या राज है इसका, आखिर इतनी पावर्स होने के बाद भी ये शरीर इस व्हील चेयर में क्यों कैद है कार? होना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, वो सवाल पूछकर जिसका जवाब मैं नहीं जानता और अब तक नहीं जान पाया हूं। ये क्या कर रहे हो बेटा, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल मत किया करो, तुम्हारे पास जो ताकत है उसे नुकसान मत पहुंचाओ। कितनी बार ये बात कही है मैंने तुमसे काल, कितनी बार? उतनी बार मैंने आपसे पूछा है डैड, मुझ में ये पावर्स कैसे आए, मैं ऐसा क्यों? मैं नहीं जानता बेटे। आप झूठ बोलते रहे हमेशा और इस वक्त भी आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो, मैं स्टॉप इट काल, स्टॉप इट। सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब तक जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं कि साइंस के पास वो जवाब है और उसी में मेरा इलाज है। माय क्योर लाइज इन दैट आंसर। मिलियंस खर्च कर दिए, बिलियंस खर्च कर दूंगा। डॉक्टर्स, नामीबिया में हमारे एंटीडोट की सेल से कितनी कमाई हुई? $320 million और गिनती अब भी जारी है। थोड़ा सा डर और $320 million एंड स्टिल काउंटिंग। डर का बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस, लेकिन अब हमें मिलियंस नहीं बिलियंस में अर्न करना है, तो अब हमें अपने वायरस के लिए एक ऐसी कंट्री चाहिए जहां करोड़ों की आबादी हो। इंडिया या चाइना? चाइना की आबादी इंडिया से ज्यादा है काल, लेकिन इंडिया में गॉड्स की आबादी ज्यादा है।
और उन पर लोगों का यकीन भी। तो देखते हैं क्या उनका एक भी भगवान हमारे एक वायरस से उन्हें बचा पाता है या नहीं। आइसक्रीम खाए? आइसक्रीम? मैंने तो सुना था कि इस हालत में कुछ खट्टा खाने का मन करता। मुझे मीठा चाहिए। Really? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी तुम्हारी तरह स्वीट। ओके। चलो वहाँ जाके बैठते हैं। कैसे चाट रहे हो आइसक्रीम को? तुमने मेरी आइसक्रीम खा ली? जब खुद ही खानी थी तो दिलाई क्यों? हाँ? मैं अपनी नहीं खा पाया, तुम्हारी कैसे खाऊंगा? चलो चल के दूसरी आइसक्रीम लेते हैं। चलो। कृपाल, कैसे हो? बहुत टेंशन में हूँ, अपने गुस्से को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आइसक्रीम की चोरी का इल्जाम लगा है मुझ पर। कृपाल, ये समय वही जो अभी दिया था। ओके सर। सो क्या खाओगे? तुम हमें खाली कौन दे रहे हो एडजस्ट करके? हैं सर, भरा था मैंने। भरा था तो खाली क्यों है? ठीक है सर, मैं आप ही के सामने भरता हूँ। भरो, मेरे सामने भरो। दो चॉको ब्लॉक प्लीज। सर आपने देखा, आपके सामने मैंने भरा। हाँ मैंने देखा, भरा तो था लेकिन है तो खाली। मम्मी मेरी आइसक्रीम अभी तो लेकर दी थी। एक और कौन भरना?
यस काया। कार, मुंबई का रंग बहुत जल्द बदल जाएगा। दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। Panic is spreading across Mumbai city because of the sudden outbreak of an unidentified virus. The first reports came in from Chhatrapati Shivaji. The virus ne dekhte dekhte Mumbai ko apni girft mein le liya tha. Kaaron ne doctors, similar horrifying reports have started coming in from other parts of the city as well. Eyewitnesses spoke to people. जैसे आप देख रहे हैं हर तरफ डर और घबराहट का माहौल है। ऐसी या इससे बदतर सिचुएशन हर अस्पताल की। बेहद तेजी से फैलने वाले इस वायरस की वजह से अनगिनत लोगों की हालत गंभीर है। 117 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पापा उठिए ना, पापा प्लीज उठिए ना, पापा उठिए। अरे भाई तुम बहुत खराब है। तो वही वायरस है जिसने नामीबिया में हजारों लोगों की जान ली है। ओह माय गॉड। लेकिन इस वायरस का एंटीडोट बन चुका है। फॉरेन कार फार्मास्यूटिकल्स को कांटेक्ट करो। कार स्ट्राइकर के साथ जो हुआ उसके बाद क्रिश को आजमाने की जरूरत पड़ सकती है। हमारा वायरस उसे भी आजमा लेगा। इंडियन गवर्नमेंट का रंग हमारे वायरस की वजह से सफेद पड़ चुका है काल। उनका डर बार बार हमारे डीलर्स को कांटेक्ट कर रहा है। काल एंटीडोट का सबसे खास और की कंपोनेंट तैयार है। हमें जल्द से जल्द एंटीडोट बनाना शुरू करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट को कितना वक्त लगेगा इसे बनाने में? 10 दिन। 10 दिन में तो ये शहर खत्म हो जाएगा। लोग मेरे हाथों में, मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। उनकी चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं पापा। तो फिर मेरे क्रिश होने का क्या मतलब है? सबके बीच रहकर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। प्रिया भी ठीक है क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। मेरे सारे कॉलीग्स पर इस वायरस का असर हो चुका है। मुझे छोड़ के मतलब ये वायरस हम पर असर नहीं कर पा रहा। शायद हमारे खून में ऐसा कुछ है जो इस वायरस से लड़ रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरे शरीर के अंदर जाकर भी इस वायरस ने असर नहीं किया तो मेरे खून से इस वायरस का एंटीडोट बन सकता है। नहीं पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कृष्णा, इस वायरस का इलाज ढूंढने का यही एक तरीका है। तो फिर इसे मेरे खून में इंजेक्ट कीजिए। नहीं,
इसमें बहुत रिस्क है और इसके लिए एक बार मैं अपने बेटे को खतरे में डाल सकता हूँ, लेकिन लोगों की उम्मीद को नहीं। इस वक्त लोगों की उम्मीद सिर्फ आप हैं पापा, कृष्ण नहीं। आप मुझ पर टेस्ट कीजिए। इसका मतलब तुम्हारे खून से एंटीडोट बन सकता है। अब हम लोगों को बचा सकेंगे। बस कुछ ही घंटों में एंटीडोट रेडी हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी इतने सारे लोगों तक हम दवा पहुंचाएंगे कैसे? ऐसा कैसे हो पाएगा? पता नहीं कैसे लेकिन मुंबई में हमारे वायरस का असर खत्म होने लगा है। तुम में से किसी ने मुझे धोखा दिया है, काल को चीट किया है। मैंने कहा था कि 10 दिन से पहले वो एंटीडोट इंडिया नहीं पहुंचना चाहिए, फिर कैसे पहुंचा? किसने पहुंचाया? किसी ने नहीं पहुंचाया काल, क्योंकि हम तो अभी भी एंटीडोट बना रहे हैं। खबर मिली है कि मुंबई के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट ने हमारे वायरस का एंटीडोट बना लिया है। व्हाट नॉनसेंस! दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट काल के वायरस का एंटीडोट कैसे बना सकता है? मेरे वायरस का एंटीडोट बन सकता है सिर्फ मेरे डीएनए से, मेरे खून से। तो वो किसे, कैसे, कहां से मिल सकता है? आओ! मेरा खून किसी और की नसों में कैसे मिल सकता है? कैसे? कैसे? मुंबई
मुंबई न रुकती है, न डरती है, न हारती है। इस वायरस को हराकर हमारी मुंबई ने यह फिर से साबित कर दिया है। मैं सल्यूट करता हूं इस शहर के साहस को, मुंबईकर्स की स्पिरिट को, और सबसे ज्यादा उसको जो इस जीत का असली हीरो है। बच्चों का दोस्त, बड़ों की उम्मीद और बुजुर्गों का सहारा, हमारा क्रिश। अगर तुम यहां हो या जहां भी हो, हमारे पास शब्द नहीं है तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश की है जो इस शहर की नई पहचान बनेगी आज से, और इस पहचान को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उन्हें जिनके बगैर शायद क्रिश भी हमें नहीं बचा पाता। डॉक्टर रोहित मेहरा, प्लीज आइए। इतना सारा प्यार के लिए थैंक यू सो मच। पर मैंने जो किया, आप मेरी जगह होते तो आप भी वही करते। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। कामयाबी तो आप सब लोगों की दुआओं से मिली है। और अब मैं क्रिश को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो रात में रोशनी देकर हम सबको नया दिन देता है। जानते हो क्रिश को? मैं मानता हूं क्रिश को। मेरा मानना है कि हम सब में क्रिश है, वो जो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किसी दूसरे की मदद करने के लिए करता है, जो हर हाथ को हाथ और हर किसी का साथ देता है, वही तो क्रिश है। हम सब में क्रिश है। हाँ, मैं भी क्रिश हूँ। क्रिश ने कहा था, जब मैंने उस दिन उस कबूतर को बजाया था, उसने मुझे ये सिंबल दिया था। मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। क्या कृष्णा? मैं देखती हूँ पापा। क्या हुआ प्रिया, कौन है? कोई नहीं पापा। Thank you.
ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव। एनी मेडिकल हिस्ट्री? एनी एलर्जीज? नहीं, लेकिन प्रेग्नेंट है भैया। कृष्णा, कैसी है प्रिया? अब तो कुछ पता नहीं पापा, अंदर ले गए चेकअप के लिए। सब क्या हो रहा है पापा? फिकर मत करो, सब पता चल जाएगा। तुम्हारी वजह से उनमें से एक हमारी कस्टडी में। अब बस मिस्टर मेहरा, आपकी वाइफ तो ठीक है, बट आई एम सॉरी टू से कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इन आंसुओं की कोई जरूरत नहीं, जरूरत अब प्रिया को है, तुम्हारी कृष्णा। उसे फिर हंसना सिखाना होगा, जीना सिखाना होगा, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम कृष्णा। अनजान लोग और अनजान जगह डराते हैं, जानता हूं तुम काल की दुनिया में हो। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम भागने की, मारने की। देखो, इस हालत में ये भागना दौड़ना अच्छा नहीं है तुम दोनों के लिए। सो प्लीज सिट डाउन। सिट। ये क्रिश कौन है? Who is he?
मैं नहीं जानती। ये तो जानती हो कि मेरे वायरस का एंटीडोट तुम्हारे फादर इन लॉ रोहित मेहरा ने बनाया, और ये भी जानती होंगी कि कैसे बनाया। मैं ये भी नहीं जानती। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे हर सवाल का जवाब तुम ही से मिलेगा। प्लीज, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे, और उन्हें ढूंढा तो उन्हें जाता है जो सामने ना हो, लेकिन तुम तो सामने हो प्रिया, यहां भी और वहां भी। Yes, two seats, please. All set. First day, first show. चलें। प्रिया, तुम यहां हो या कहीं और? मैं तो यहीं हूं, तुम्हारे सामने। सामने तो हो पर साथ नहीं हो। मतलब ये कि अगर तुम मेरे साथ में होती ना, तो अब तक समझ जाती कि मैं बदल गया हूं। Yes, ma'am. आज से I'm all yours. जिस तरह तुम्हारा चैनल 24 घंटे 24/7 तुम्हें एंटरटेन करता है, उसी तरह आज से मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगा 48/14। रोज की लिस्ट रेडी है, संडे से लेके मंडे तक, शॉपिंग से लेके सिनेमा तक, और मैं कोई छुट्टी भी नहीं लूंगा, ना ही कोई प्रमोशन, सिर्फ चाहिए सैलरी, और सैलरी में कुछ हजार स्माइल्स, 10-20 लाख हग्स, 1-2 करोड़ किसेस, बहुत है। तो कहां से स्टार्ट करें? मैं भी यही सोच रही थी, कहां से स्टार्ट करें? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने से। This is really strange. हर 2 मिनट में सिर्फ 1 बार धड़क रहा है इसका दिल। इसका मतलब है यह हाइबरनेशन में जा चुका है, एक ऐसी नींद में जिसमें इस हार्ट रेट के साथ ये जब तक चाहे जिंदा रह सकता है। लेकिन कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। कुछ जानवर ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। जमीन के नीचे दबे रहकर सांस लेते रहते हैं और सही मौसम आने पर बाहर आ जाते हैं। इसमें भी शायद यही खासियत है, ये जितना इंसान है उतना जानवर भी है। मेरे ख्याल से अमानव है ये। अमानव? हाँ कृष्णा, महाभारत और रामायण में भी अमानव थी। शूर पड़खा तो अपना रूप तक बदल लेती थी। प्रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। हमारे घर पर अटैक करने वालों में से जो हमारे कब्जे में है वो होश में आ रहा है। इसके होश में आने पर शायद ये हमारी और हम इसकी मदद कर सके, और हम जान सके कि कौन नेचर के नियम बदलने की इतनी खतरनाक कोशिश कर रहा है। प्रिया, तुम यहाँ क्यों आ गई? घबराहट हो रही थी मुझे। अरे घबराने की क्या जरूरत है?
मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे मार डालेगा, कि हमें मार डालेगा। कुछ नहीं, कृष्णा, get us sedated immediately. पापा, you have to get it's all under control. कुछ नहीं होगा प्रिया। या मार डालो उसे। पापा। कोशिश की, तुमने देखा ना, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते मुझे बचाने, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? ये कौन है? ये लोग क्यों मेरे पीछे, क्यों हमारे पीछे? प्रिया, तुम्हारा परेशान होना सही है, बट प्लीज अब शांत हो जाओ। शायद ये सब हम जान पाते अगर उसे कुछ दिन और जिंदा रख पाते। लेकिन ये लोग हैं कौन और क्यों अटैक कर रहे हैं हम पर, पापा पर? कहीं इसलिए तो नहीं कि पापा ने वायरस का एंटीडोट बनाया है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। सही सोच रहे हो तुम। पूरे यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता, पर लिंक हो सकता है वायरस में, एंटीडोट में और अटैक में, बिल्कुल हो सकता है। उसका मतलब वो फिर से वापस आ सकते हैं, फिर से वायरस फैला सकते हैं? हम तब भी लोगों को बचा सकेंगे। लेकिन कैसे? वो तो लैब जला चुके हैं। हाँ, लेकिन एंटीडोट अब तक हमारे पास है और जरूरत पड़ने पर और भी बन सकता है। कैसे? कैसे पापा? क्योंकि प्रिया, वो एंटीडोट हम लोगों ने, आई थिंक अब जब तक आप इसे एंटीडोट बनाकर दिखा नहीं देंगे तब तक इसके सवाल खत्म होने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये प्रिया नहीं है, हैं? इस वक्त जो हमारे सामने है वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट है। आज अपनी प्रिया एकदम जर्नलिस्ट के जैसे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। वो इसलिए क्योंकि इतने दिनों से वो ऑफिस नहीं गई है ना, अंदर का जर्नलिस्ट बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए प्रिया कल से तुम ऑफिस जा रही हो और इस वक्त सोने चलो। लेकिन पापा, चलो कृष्णा, पापा बता रहे थे तो बताने देते ना, हमें भी तो पता चलना चाहिए, पता नहीं कब कैसे कहां जरूरत पड़ जाए। पापा, कृष्णा मेरी बात तो सुनो, अगर हम जान जाएंगे पापा ने वायरस का एंटीडोट कैसे बनाया है तब उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो क्योंकि ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, यू कैन जॉइन फ्रॉम टुमारो। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक। अब वक्त है आरसीटी मॉल के इस हफ्ते के लकी ड्रॉ के विनर्स के नाम अनाउंस करने का। आज के विनर नंबर 3, जिन्होंने जीता है पूरे 50,000 रुपए का इनाम, उनका नाम है मिस्टर सचिन गुप्ता। और 50,000 के इनाम के साथ सेकंड विनर है मिस पूजा मिश्रा। और आज के जैकपॉट विनर जिन्होंने पूरे 1,00,000 रुपए जीते हैं, उनका नाम है हमारी तरफ से भी।
ये क्या है? कृष्ण का सिंबल। जो भी किसी की हेल्प करता है उसे ये मिलता है। मैं कृष्ण को कहाँ मिल सकती हूँ? ये तो मुझे नहीं पता। हम तो बस इतना जानते हैं कि कृष्ण हमेशा सही जगह सही वक्त पर पहुँचता है। और जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ तुम जैसे अच्छे लोग पहुँच जाते हैं सही वक्त पर और उसकी कमी पूरी कर देते। मैंने ऐसा क्या किया? किया? उस एहसास ने किया जो इतने एक इंसान की पहचान है। ये उसके लिए जिसने एक बच्चे को अपनी माँ से और एक माँ को अपनी जिंदगी से अलग नहीं होने दिया। और तुम समझ नहीं रहे। क्या मैं प्रिया से बात कर रहा हूं या मेरी काया से? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। कल तक या तो तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दोगी या फिर कार्ल उसे अपने तरीके से हासिल करेगा। डॉक्टर, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं? पैरामीटर्स नॉर्मल, फीटस प्रॉपर पोजीशन में और हेल्दी है। तो फिर ये अपनी माँ के पेट में क्या कर रहा है? निकालो इसे बाहर अभी। लेकिन किस लिए काल? मैं इस स्टेज पर इसके डीएनए में अपना डीएनए इंजेक्ट करके देखना चाहता हूँ कि क्या जनरेट होता है, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया है किसी भी जानवर या इंसान पर उसके जन्म लेने से पहले। राइट काल, बट इट्स टू अर्ली। अगर इस वक्त इसको बाहर निकाला जाएगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा, मर जाएगा ये। जब तक ये बच्चा 3 महीने का नहीं हो जाता ना तो हम इसे निकाल सकते हैं ना ही इस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहां तक इसका डीएनए टेस्ट भी नहीं कर सकते। कितना वक्त? कम से कम 1 हफ्ता काल। सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारी 9 महीनों की तकलीफ खत्म हो जाएगी और शायद मेरे कई सालों का इंतजार भी। हैरान कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ रही हैं कृष्णा। पहले ये पता चला कि काल फार्मास्यूटिकल ने जो एंटीडोट बनाया था और जो म्यूटेंट हमारी कस्टडी में था, दोनों का डीएनए एक ही है। और अब सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई ये सामने आई है कि हमने जो एंटीडोट बनाया था उसका भी डीएनए काफी हद तक वही है। मैंने कंफर्म करने के लिए कई बार टेस्ट किया लेकिन हर बार रिजल्ट वही आया। पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो एंटीडोट तो हम लोग। लगता है प्रिया जा गई। हाँ, आप वो एंटीडोट कैसी है वो? अब ठीक है पापा, वो एंटीडोट कितना चाह। सुनो, कल मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, तुम अपना प्रिया का ख्याल रख। आप सिंगापुर जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सिंगापुर और डॉक्टर आर्या के गलत इरादे मेरे गुजरे हुए कल का एक अहम हिस्सा है। और ये जो नए सच नए सवाल लेकर आए इनके जवाब शायद मुझे मेरे अतीत में ही मिल सकता है। दया युवा, क्या हुआ? तुम ठीक तो? हाँ, क्यों?
पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे तुम दूर से मुझे आवाज दे रही हो। तुम्हारे पास हूँ तो दूर से कैसे आवाज दे सकती हूँ कृष्णा? True. पापा ने आवाज दी थी, उनको कॉफी चाहिए थी, वो अभी तक काम कर रहे हैं। अभी तक? पापा भी ना, मैं देख के आता। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि वो किसी इम्पोर्टेंट रिसर्च पर काम कर रहे हैं, हम उन्हें सुबह तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। ओके चलो। क्या हुआ? नहीं, मैं कृष्णा का यकीन नहीं तोड़ सकती अब। और काल का यकीन? कह दूंगी काल से, जब तक रोहित मेहरा सिंगापुर से वापस नहीं आ जाते हमें रुकना होगा। मुझे सारे जवाब मिल गए हैं कृष्णा। सिंगापुर आने का मेरा फैसला एकदम सही था। सिंगापुर? आप सिंगापुर गए? कब? और बताया नहीं मुझे? बताया नहीं? कल रात को तो बताया था, जब तुम लैब में आए थे। कल रात को? कब? There you are. क्या? सामने तो हो, पर साथ में शूर पड़ता तो अपना रूप तक बदल लेता। अगर हम जान जाएंगे पापा ने वायरस का एंटीडोट कैसे बनाया? आज अपनी प्रिया एकदम जर्नलिस्ट के जैसे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जहां भी है ठीक है, तुम्हारी प्रिया भी और तुम्हारा बच्चा भी।
और इस बार मैं कृष्णा से भी सच कह रही हूँ और कृष्ण से भी। कहाँ है वो? काल की कायनात में वेलकम डॉक्टर रोहित बेहरा। एंड आई एम सॉरी कि आपको इस तरह आपकी मर्जी के खिलाफ यहां लाना पड़ा। आप कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए सिंगापुर गए थे, तो बताइए क्या जाना आपने? यही कि इंसान को कभी ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई साल पहले डॉक्टर आर्य ने मुझे कैद करके रखा था सिंगापुर में, और उस दौरान डॉक्टर आर्य ने मुझ पर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर माथुर, अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो मैं एक नया रोहित मेहरा बना लूंगा, इसी के खून, इसी के डीएनए से, जिसमें रोहित जैसा ही दिमाग होगा, रोहित जैसी ही शक्तियां, लेकिन जो चलेगा मेरी उंगलियों के इशारों पर। डॉक्टर आर्य ने मेरे डीएनए का इस्तेमाल करके एक बच्चा क्रिएट भी कर दिया, पर वो बच्चा अपाहिज निकला। डॉक्टर आर्य ने डॉक्टर माथुर से उस बच्चे को खत्म कर देने के लिए कहा, पर डॉक्टर माथुर ने ऐसा नहीं किया। उसने उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद उस अपाहिज बच्चे को एक अमीर आदमी ने अडॉप्ट किया, उसकी परवरिश की। इसका मतलब, जिसे मैं अपने फादर समझता था वो मेरे फादर नहीं थे, क्योंकि वो अपाहिज बच्चा मैं हूं और आप मेरे पिता हैं। I like it. अब सब ठीक हो जाएगा। आप मिल गए हैं, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और अब मुझे मेरा इलाज भी मिल ही जाएगा। बस आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं कैसे हेल्प कर सकता? अपना बोन मैरो मुझे देकर। बोन मैरो? दूंगा, हेल्प करूंगा तुम्हारी, पर तुम्हें वो सब रोकना होगा जो तुम कर रहे हो। ये दुनिया जो तुमने बनाई है उसे यहीं मिटाना होगा। डैड, क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूं? ऑफ कोर्स बुला सकता हूं, आप तो मेरे डैड हैं। तो डैड, नो टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर शर्त रखेंगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको, क्योंकि तब मैं आपका डीएनए उस बच्चे के बोन मैरो से निकालूंगा जो इस वक्त प्रिया के पेट में है, आपका ग्रैंडचाइल्ड। मेरा ग्रैंडचाइल्ड? वो तो पहले ही पैदा होने से पहले ही नहीं, जिंदा है, क्योंकि प्रिया मेरे पास है। देखेंगे। लेकिन प्रिया तो वहां। जो वहां है वो प्रिया नहीं,
मेरी मानवर काया है प्रिया की शक्ल में। असली प्रिया तो यहां सेफ है और उसका बच्चा हेल्थी, उसका बोन मैरो भी। तुम्हें लग रहा है कि हम अकेले हैं इस वक्त, इसलिए तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो, लेकिन एक पिता के आंसुओं में कितना असर है ये तुम नहीं जानते, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो उसे अपनी ओर आते हुए। वो जो हमारा हौसला है और तुम्हारा अंत। मेरा सच्चा बेटा कृष्ण। कृष्णा, कालिया नहीं है। कैसा फील कर रहे हो काल? मैं अपने डैड से बात कर रहा था।
ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत खून बहाना है मुझे। यस का काया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से रोहित मेहरा मेरे पास है। अब तुम जहां भी हो फौरन वहीं चले आओ जहां मैंने तुम्हें बनाया था। दुनिया में वापस आकर अच्छा लग रहा है ना काया? का? देखो काया, अब काल सबका काल है। मैं इंसानियत को खत्म करके एक नई ताकतवर नस्ल बनाऊंगा। अब ये दुनिया मेरी है, हमारी होती, लेकिन तुमने अलग रास्ता चुना, मेरा यकीन तोड़कर। मैं जानता था कि ये काया कृष को यहां जरूर लेकर आएगी, और मैं यही चाहता था। क्रिश बहुत जरूरत पड़ने वाली है इन आंसुओं की, इन्हें बचा के रखो अपने फादर के लिए, सॉरी हमारे फादर के लिए। हाँ हम भाई हैं, एक ही पिता के दो बेटे, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम प्यार की वजह से हो और मैं डॉक्टर आर्या के पागलपन की वजह से। यकीन नहीं आ रहा है ना, तो इनसे पूछो। मैंने सिर्फ इनका बोन मैरो लिया है। अगर ये रहा तो दुनिया नहीं रहेगी कृष्णा। डैड, आप एक बेटे से दूसरे बेटे को मारने के लिए कह रहे? I like it. आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा।
हमारे और तुम्हारे बच्चे के अंत से होगी क्रिश। इस वंश का कोई अंश नहीं रहने दूंगा मैं। देखिए डैड, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब आपको मरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके सच्चे बेटे की मौत आपको जीने नहीं देगी, रोहित मेरा। कृष्णा उठो, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। लोगों को जिसकी जरूरत थी, जिसकी आदत थी, उसे काल ने मार दिया है। मैंने कृष को खत्म कर दिया है। हाँ, मैंने कृष को अमर कर दिया है। और अब बारी है प्रिया मेहरा की। So bring her to me! उसे मेरे पास आने में जितना ज्यादा वक्त लगेगा, मैं तुम लोगों को उतनी ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊंगा। Yeah.
दिमाग वाला फिल्टर, दिमाग वाला फिल्टर। Please God. Please, my God. Please. तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि कोई मरता नहीं। आत्मा, एनर्जी सिर्फ शरीर बदलते, पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो कृष्ण, मैं तुम में जिंदा हो रहा हूं, हमारी शक्तियां एक हो रही, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में और तुम सब मेरे आशीर्वाद में। इमोशनल फूल्स, तुम लोग मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हो, एक इंफीरियर रेस जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूं। तो फिर कैसे बचाओगे इसे? अपनी जान देकर नहीं, इसकी जान लेकर। I like it। छोटे से हो और ऐसे तेवर। छोटा हो तो क्या हुआ, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। कृष्ण ने कहा था, कृष्ण था, काल है। कृष एक सोच है जिसे कोई काल नहीं मार सकता। जब तक हम में से एक भी रहेगा, कृष रहेगा।
फट गई। Thank you.
इतना अच्छा लग रहा है ना कि हम चारों साथ हैं, एक परिवार। लेकिन पहले किसे मारूं, बाप को या बच्चे को? देखो अपने आप को, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, एक आम बेटा, एक कमजोर बाप। इंसान होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे पास है हर बाप का आशीर्वाद और हर बच्चे का प्यार। जन्म लेते हैं क्रिश, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मर भी नहीं सकता।
कृष्णा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि कोई मरता नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में और तुम सब मेरे आशीर्वाद में। मिस्टर कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है, अब आप मिल सकते हैं। वो यही है, मैंने हमारे बेटे का नाम रोहित रखा है। अरे 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 यही तो अरे, अरे?